दूसरी होगा सभी हो जाएगा। Oh my God! ये सब क्या है? हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन हॉलीवुड की मूवीज़ लेकर आ चुका हूँ, जिसे आप लोग इजीली यूट्यूब पर देख सकते हो। ये सारे मूवी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर आसानी से देख लेना। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये सारे मूवी कभी भी डिलीट हो सकती है, तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर इस सारे मूवी को देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिस्ट की नंबर 10 पे है ब्रेमस्टोम। यह 2017 की बनने वाली कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें दो फैमिली को दिखाया गया है, जिसके फैमिली के अंदर काफ़ी सारे सुपर हीरो होते हैं। अब ऐसे में उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि अर्थ को और सारे लोगों को बचाए। अब ऐसे में यह दोनों फैमिली मिलकर कैसे अर्थ और लोगों की जान बचाते हैं, बस इसी चीज़ को इस मूवी में दिखाया गया है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आ रही है तो आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी की इफेक्ट और एक्शन काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना, एक बार जरूर देखना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 9 पर ब्लू बीटल्स। यह मूवी हाल ही में आई है। बात करें कहानी की, तो इस मूवी में जेम्स नाम के व्यक्ति को दिखाया गया है, जो कि हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नौकरी की तलाश में भटक रहा होता है। अब ऐसे में उसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि उसके सेल के अंदर घुस जाती है। वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एलियन से जुड़ा होता है। तो इसके बाद की जो भी स्टोरी है, वो आप जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। यह मूवी काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 8 मूवी है एक्सीडेंट मैन हिटमैन हॉलीडे। यह कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें हिटमैन को दिखाया गया है, जो कि फिलहाल में ही वो छुट्टी पे रहता है। एक फ्रेंड की तरफ से मैसेज मिलता है कि उसे एक मिशन करना है। अब ऐसे में वो फ्रेंड के पास पहुंच जाता है मिशन करने के लिए। मिशन में यह और उसको एक मिशन दिया जाता है, जिसमें उसकी बॉस की बेटी को बचाना रहता है, जिसके पीछे शहर के काफ़ी बड़े किलर लोग पड़े हैं। अब ऐसे में यह हिटमैन कैसे उस लड़की को बचा पाता है, तो आप इस स्टोरी को देख लेना। अब ऐसे इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिल चुकी है। How'd you find me, Ray? I heard that you've got a nice little earner going on down here. Nothing we got going on down here is going to bother you. You have bothered me. नंबर 7th मूवी है गॉडजिला। यह 2014 की बनने वाली कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें फोर्ड और उसके पिता को दिखाया गया है, जो कि एक क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं। वह बहुत साल बीत जाता है, 15 साल बाद उस किसी कारणवश वो क्रिएचर फिर से एक्टिव हो जाता है। अब ऐसे में गॉडजिला को लौटना पड़ता है उस क्रिएचर को रोकने के लिए। तो ये सिर्फ मूवी की बेसिक स्टोरी है। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे 6.4 की रेटिंग मिल चुकी है। लिस्ट की नंबर 6 मूवी है फ्रैक्चर्ड। यह एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें फेड नाम के व्यक्ति को दिखाया गया है, जो कि अपनी पत्नी का कत्ल करना चाहता है। अब ऐसे में कहानी फोकस करता है एक वकील के ऊपर, जो अभी तक अपने जीवन में 95% केस को जीत चुका है, और इस केस का फाइल भी उसी के पास चला जाता है। अब ऐसे में वो केस को ले लेता है। अब ऐसे में कुछ दिनों बाद वकील को पता चलता है कि फेड एक माइंड मास्टर है, जो कि अपना केस वो खुद लड़ेगा। अब ऐसे में इन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। वैसे इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे 7.2 की रेटिंग मिल चुकी है। लिस्ट की नंबर 5 मूवी है आयरन स्काई। यह 2019 की बनने वाली एक साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें एक पृथ्वी पर एक विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब लोग फैसला करते हैं कि चांद पर चला जाए, और चांद पर ये लोग चले जाते हैं, पर चांद पर भी जीवन यापन करना इतना
आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इन लोगों को सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती थी। तो आपको यह बात जाननी है कि चांद पे ऐसी क्या चीज़ है, तो आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 5.10 की रेटिंग मिल चुकी है। Trying to get him to sign an end user license agreement. No one reads that shit, man. लिस्ट की नंबर 4th मूवी है मॉर्गन। ये एक साइफाई मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें वैज्ञानिक लोग मिलकर एक ऐसे इंसान को जन्म देना चाहते हैं जो कि नॉर्मल लोगों से काफी अलग हो, पर वो लोग एक लड़की को बना देते हैं जो कि नॉर्मल इंसान से काफी अलग रहती है। अब जैसे जैसे मॉर्गन बड़ी होती है वो काफी खतरनाक हो जाती है, वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। अब ऐसे में क्या वैज्ञानिक उस लड़की को रोक पाएंगे या नहीं, और ये लड़की क्यों लोगों को मार रही है, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिल चुकी है। आपको इस मूवी में आपको थोड़ी बहुत एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली देख लेना। द क्लिम्बर्स 2019 की बनने वाली कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिल चुकी है। बात करें कहानी की तो इसमें चार चाइनीज लोगों को दिखाया गया है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे होते हैं, पर बार बार वो नाकाम हो जाते हैं। चार बार तो वो लोग फेल हो चुके रहते हैं, पाँचवीं बार वो पूरी तैयारी करके जाते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तो चले जाते हैं। जैसे वो चोटी के ऊपर पहुंचने वाले ही होते हैं, ऐसे में मौसम बिगड़ जाता है, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब ऐसे में देखना यह होगा क्या ये लोग वो चोटी तक पहुंच पाते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। यह एक कमाल की मूवी है, तो आप इस मूवी को देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। नंबर 2 पे है द मंकी किंग। यह 2023 की बनने वाली कमाल की एक एनिमेटेड मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें एक मंकी को दिखाया गया है जो कि एक पत्थर से निकलता है। अब ऐसे में वो उसके पास काफ़ी सुपर पावर आ जाती है। अब उसके पास एक जादू की छड़ी भी होती है जिसकी मदद से वो जो चाहता वो कर सकता है। अब ऐसे में वो अमर होना चाहता है और वो निकल पड़ता है अमर होने के लिए। तो आगे इस मूवी में क्या वो अमर हो पाता है नहीं, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। आप एक एनिमेटेड मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इसे देख लेना। इसकी क्वालिटी यूट्यूब पर काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी हिंदी डबिंग भी आपको काफ़ी लाजवाब मिलेगी। तो आप इस मूवी को देखना चाहो तो फैमिली के साथ देख सकते हो, ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है, तो आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिल चुकी है। तो लिस्ट की नंबर 1 पर है लॉकी सीजन 2। यह एक वेब सीरीज है जो कि हाल ही में रिलीज किया गया है। इसके फर्स्ट पार्ट ही आए हुए और पार्ट इसके बाद में आएंगे। यह सीजन 5 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। तो आप इस सीजन को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी हॉटस्टार से डाउनलोड कर देख लेना। वैसे यह कमाल की वेब सीरीज है, तो आप इसको मिस मत करना। आपको ये सारे मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।